हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग अच्छे हो। बच्चों, आपका स्वागत है अकेडमी चैनल नीट यू 10 पे। इस चैनल की खास खासियत ये है, विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्सट्रीम में दिल्ली पढ़ाया, अब मैं अकेडमी ऑफ फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आपको इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी एजुकेट कर रहे हैं। तो जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन लें। इसके लिए क्या करना है आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं बच्चों इसके फीचर्स के बारे में। तो इसमें डेली लाइव क्लासेस होती है, आप यहाँ पे टीचर से इंस्टेंटली डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। यहाँ पे आपको हर टॉपिक वाले क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, पोलिंग से आपको मोर इंटरेक्टिव वे में सब्जेक्ट को सिखाया जाता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है बच्चों, सिलेबस आपके सिलसिलेवार ढंग से खत्म होगा। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो जितने भी वीडियो रिकॉर्डेड वो सारा एक्सेस कर सकते हैं। इवन एक टीचर का मान लीजिए 40 सब्जेक्ट्स के टीचर 20 या 40 हैं, तो सबके लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे 6000 था बच्चों, तो ये 10% ऑफ 5400, ये 15 था, ये 13.5, ये 24 था। देखिए तो 10% का जो डिस्काउंट है, मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए एक मंथ का चार्ज कितना है, 5400, 3 मंथ का पर मंथ लीजिएगा तो 4500, 12 मंथ्स का 2250, 24 मंथ्स का 1350। आप देख रहे हैं ना, 103 का पर मंथ कितना कॉस्टली। इसको आप अवॉइड कीजिए, इसको इसको और इसको आप प्रीफर कीजिए, ये और ये बेस्ट रहेगा। हाँ, क्रैश कोर्स के लिए आप ये ले सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन निकालें, ये सब। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से रिलैक्स होकर क्वेश्चन पढ़िए। मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस आर कन्फाइंड विदिन ए सिलेंडर ऑफ ए मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग लोडेड पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4×10⁻³। द स्प्रिंग इज इनिशियली इन इट्स रिलैक्स्ड स्टेट, नाउ गैस इज हीटेड बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर प्लेस्ड इनसाइड एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द गैस एक्सपेंड एंड दस 50 जूलर। ठीक है ना, इसका मतलब इसका डायग्राम देखिएगा तो ये स्प्रिंग था, ये पिस्टन जो है इसमें स्प्रिंग लगा हुआ था। ठीक है, इस तरह से तो ये है आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, ये हीट किया, यहाँ बर्नर फ्लेम्स इसको हीट किया, ये एनर्जी बढ़ेगी तो ये जाके थोड़ी सी इधर खिसक गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स दे रखा है 0.10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, वर्क डन इस केस में हुआ है 50 जूल। ठीक है, डब पिस्टन थ्रू 50 और द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज बाय कितना है, 50 केल्विन है डेल टी। कैलकुलेट द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट द हीट सप्लाइड बाय द हीटर, मतलब डेल क्यू निकालना है और आपको क्या के निकालना है। चलिए वर्क डन क्या होगा बच्चों, वर्क डन होगा आपको पी डीवी होता है ना। अच्छा, तो वर्क डन बताइए यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर की जगह क्या लेंगे अब, प्रेशर की जगह तो एक तो पी नॉट प्लस फोर्स के एक्स बाय ए ले लें, यहाँ पे स्प्रिंग के कारण भी तो के एक्स बाई ए या प्रेशर ही तो है, एफ इक्वल टू क्या होता है के एक्स होता है, ये इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपको डी वी, ये हो जाएगा डी वी। ले ले डी वी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी वी को बताओ तो जल्दी से, इसको आगे बढ़ाते हैं तो डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए, डी वी को लिख सकते हैं ए डी एक्स, है ना। चलिए तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट इसको इंटीग्रेट करते हैं, पी नॉट ए एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। देन बताइए क्वेश्चन में दे रखा है ये 50 दे रखा है। ठीक है, पी नॉट कितना दे रखा है बच्चों, इनिशियल प्रेशर देखिए यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। ठीक है, द ड्यूरिंग नॉन द गैस इज हीटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये 50 जूल दे रखा है, पी नॉट कितना दे रखा है बच्चों, पी नॉट आपको एरिया कितना दे रखा है पहले बताइए, तो एरिया दे रखा है 4×10⁻³, 4×10⁻³ -3 एक्स कितना दे रखा है 0.10, है ना, और यहाँ प्रेशर देखेंगे 0.1। ठीक है, 0.1 पिस्टन ये 0.1 प्लस हाफ के, ये एक्स की जगह क्या है 0.1 मीटर है कि नहीं। ठीक है, चलिए ये पास्कल ले लेंगे 1×10³ पी नॉट की वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी आपको, हाँ बच्चों पी नॉट ले लिया 1×10³ पिस्टन का जो इनिशियल प्रेशर एटमोस्फेयरिक इनिशियल जो एक्सटर्नल प्रेशर है
मान लो ए ले लिया 4 × 10^3, एक्स ले लिया 0.1, ठीक है ना, ये 0. ये रख दिया 0.1, इसका के की वैल्यू जो आ जाएगी आपको देखिएगा कैलकुलेट करके 2000 न्यूटन पर मीटर, ये आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा था आपको, एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा था, डेल क्यू, डेल क्यू इक्वल टू क्या, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल यू कितना है 1245, प्लस डेल यू कितना है आपको 50, तो कितना हो गया आपको 1295 जूल, 1295 जूल, 1295 जूल, ये आंसर हो गया। देखिए, ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर चलिए ये आपका आंसर हो गया। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 50 K, कैलकुलेट द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट द हीट सप्लाइड बाय द हीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपको, आगे देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे बताइए डेल्यू कैसे कैलकुलेट किया है, हम डेल्यू आपका डेल्यू मैंने डेल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्यू बताइए। तो डेल्यू ये जो डेल्यू मैंने कैलकुलेट किया इसका बताना भूल गया, डेल्यू इक्वल होगा एन सी वी डेल टी, नंबर ऑफ मोल्स कितना है देखिए क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स है 150 या 2, सी वी कितना होगा 3/2 R होता है, मोनोटॉमिक दे रखा है, देखिएगा ये कितना 15 केल्विन, इसको कीजिएगा तो 1245, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, टोटल कितना 1295 जूल। मैंने यहाँ तक एन सी वी टी भी क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए मोल्स दे रखा है, 2 मोल्स दे रखा था, यहाँ पे देखिए ना क्वेश्चन में मिस हो गया था, यहाँ क्वेश्चन में 2 मोल्स दे रखा है, ठीक है ना। हमने डेल यू भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, डेल यू हमने यहाँ 1245 लिखा था, वो कैसे आया था, ये एन सी वी होता है मोनोटोमिक का 3/2 R × 50 R गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बोल रहा है 3 मोल्स दे रखा है, ध्यान रखिएगा, एन आइडियल मोनोटोमिक गैस परफॉर्म्स ए साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर, द टेम्परेचर इतना डिटरमाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। अच्छा, वर्क डन, अच्छा बताइए पी वी इक्वल टू एन आर टी देखते हैं, तो ये देखिए ना 1 और 2 का वर्क डन जीरो नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए पी प्रोपोर्शनल टू टी है, पी वी इक्वल टू एन आर टी में यदि वी कॉन्स्टेंट होगा तभी तो पी प्रोपोर्शनल टी, ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस 1 2 तो 0, और कौन सा है आइसोकोरिक 3 4 भी आइसोकोरिक, तो इसका भी वर्क डन 0, हम किसका वर्क डन निकालेंगे 2 और 3 का, ये क्या है आइसोबारिक, 2 और 3 का वर्क डन निकालेंगे तो कितना बताइए, पी डेल वी लिखते हैं ना डायरेक्ट, तो पी डेल वी या एन आर डेल टी लिखते हैं, तो बताइए एन आर 3 है, गैस कॉन्स्टेंट 8.31, अच्छा डेल टी क्या होगा, इधर से इधर जा रहा है, तो ये प्रेशर कितना है इसका बच्चों T3, ये कितना है T3 - T2, ठीक है, अच्छा 2 3 हो गया, अच्छा चलिए W41 निकालिए, तो W41 इस प्रेशर का, तो W41 हो जाएगा आपका कितना एन आर डेल टी की जगह क्या बच्चों T1 - T4, क्योंकि फाइनल क्या है T1 - 4, ये हो गया ना, इसका टोटल वर्क डन अब निकालेंगे W नेट क्या हो जाएगा एन आर के बाद लिखेंगे हम लोग इसमें T3 - T1, T3 - T2 प्लस, इसके लिए देखिए T1 - T4 प्लस T1 - T4, सारी वैल्यू रख दीजिए, इसका मैं आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा है 19.94 किलो जूल, इसका जो आएगा आंसर 19.94 किलो जूल, डन, ठीक है। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन ये है, ये आपको बनाना है, ये क्वेश्चन AIPM नीट का 2008 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर बताना है, नेक्स्ट में आपको मैं डिस्कस करूंगा, तो कर क्या करना है बच्चों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और कार्नोट साइकिल बना के उसको कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चों, बेल आइकन को हिट कीजिए, ठीक है, और वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।